कटिहार के मेयर को गोली मारी गई है। अपराधियों ने मेयर को गोली मारी है कटिहार मेडिकल कॉलेज में। फिलहाल मेयर का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अपराधियों ने मेयर को गोली मारी, जिसके बाद घायल मेयर का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज जारी है और नगर थाना क्षेत्र के संतोषी कॉलोनी के पास ये गोलीबारी की घटना हुई। और फोन लाइन पर सुब्रत गुहा जुड़ चुके हैं। सुब्रत, क्या कुछ जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है, कौन थे वो लोग? देखिए, कटिहार के लिए बड़ा दुखद अपडेट है। तीन गोली उनको मारा गया था और इलाज के क्रम में महापौर का निधन हो चुका है। ये अपने आप में कटिहार ही नहीं बल्कि सीमांचल के लिए बड़ा दुखद खबर है, क्योंकि जो शिवराज पासवान है हाल के दिनों में ही महापौर बने थे और तेजी से इनका राजनीतिक कद बढ़ रहा था। फिलहाल जो जानकारी मिल पाया है, नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर के पास वो एक पंचायती करके लौट रहे थे, तभी तीन गोली उनको मारा गया है और जिस कारण इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। फिलहाल बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर अफरातफरी का माहौल है, क्योंकि हाल के दिनों में युवा नेता के तौर पर शिवराज पासवान का क्रेज बढ़ा था और कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख भी उनका बढ़ रहा था। इस कारण हत्या को कई एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बताना बड़ा जल्दबाजी होगा। हालांकि अभी उनकी मौत की पुष्टि हुई है, तुरंत आगे तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और आगे जो भी अपडेट होगा फिर हम आगे तक पहुंचाते रहेंगे। सुब्रत, अपराधी कितने की संख्या में थे और जो मेयर है उनके परिजनों से कुछ जानकारी मिल पाई है, उन्हें किसी पर शक जाहिर किया है क्या उन्होंने? देखिए, अभी चंद मिनट पहले की घटना है और ये जो घटना स्थल है शहर का ही काफी रिमोट इलाका है और संतोषी मंदिर चौक जो उनके वार्ड का क्षेत्र है उसी वार्ड का घटना है, इसलिए कुल मिलाकर अभी बहुत कुछ बता पाना बड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिला है उनको तीन गोली सीने पे ही लगा है और अपराधी दो के संख्या में थे, इस तरह की प्रारंभिक जानकारी मिला है। हालांकि किसी भी बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाया है और तमाम जो अधिकारी है डीएसपी लेवल का अधिकारी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं और घटना की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए सुब्रत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है कि जिस मेयर को गोली लगी थी उनकी मौत हो गई है। कटिहार के मेयर की हत्या की गई और अपराधी दो की संख्या में थे और जिन्होंने उनको सीने में तीन गोली मारी, और फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी और इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगातार पुलिस जुट गई है। और देखिए, कटिहार से ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कटिहार के मेयर की हत्या कर दी गई। दो की संख्या में अपराधी आए थे और इस दौरान गोली मार दी गई उनको और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद खबर कटिहार से सामने आ रही है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उनकी मौत